नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शिवप्रीत दुबे और आज आप लोगों के साथ में टिप्स शेयर करूँगा जामुन पकाने की। देखिए कितनी प्यारी जामुन पक गई है, और लेकिन ये जो जामुन पका रहे हैं वो सिर्फ घर के लिए है ना। तो आप लोग बताएंगे ऐसा उपाय कि जामुन पकाएंगे तो टेस्टी भी होगी और खाने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए आप लोग दिखाते हैं कैसे पकाएंगे। ये देखिए हमारी कच्ची जामुन है और इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से कैसे पकाएंगे, देखिए बहुत लाल दिख रही है और खाने में मज़ा आ जाएगा। और इसको सिर्फ 4 से 5 घंटे में आपकी जामुन एकदम काली हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी, खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए आप लोग दिखाते हैं किस तरीके से पकाएंगे। ये पूरी लाल लाल दिख रही, ये ब्लैक हो जाएगी 4 से 5 घंटे। ये देखिए ये जामुन दिख रहे आप, लाल है पूरी कच्ची जैसी, और इसको पकाना बड़ा आसान है, टेस्टी भी हो जाएगी। ये सिर्फ खाने के लिए बता रहा हूँ, खाने के लिए और बेचने के लिए नहीं। जो बेचते हैं वो डायरेक्ट पकाएं पत्तों में। ये हम नमक में पका रहे हैं। ये सॉल्ट लिया हमने, ये देखिए 1 चम्मच सॉल्ट डाल देंगे और इसको हिला कर रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। 5 घंटे में जामुन पक भी जाएगी और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। कभी भी ट्राई करना है ऐसे, देखिए तो बहुत ही आसान तरीका है नमक से जामुन पकाने को, टेस्टी भी लगती है। इसमें हल्का सा जब ये पक जाएगी ना, उसके बाद खाते समय हल्का सा रेड चिली पाउडर डालना और फिर खाना, लाजवाब लगेगी खाने में, बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए दिख रही पूरी कच्ची, ये आपको 4 घंटे बाद दिखाता हूँ कि ये ढक कर हम रख देंगे इसको। ये देखिए 4 घंटे के बाद, 4 से 5 घंटे में हमारी जामुन इस तरीके से हो जाएगी। ये देखिए अभी खाने में सॉफ्ट भी हो गई है और खाने में बहुत टेस्टी हो जाती है। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगी। शेवाजी 5 प्रकार की येलो ग्रेवी, चौम मसाला, पंजाबी ग्रेवी, पंजाबी मखनी ग्रेवी जरूर देख लेना। सेव भाजी देखना मत भूलना, बहुत ही गजब की रेसिपी है। और हमारे तीनों चैनल की लिंक दे दूँगा, जाकर चेक कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।